नमस्कार, मैं हूं राम कुमार वर्मा, राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के तहसील नोहर के गांव चक देईदासपुरा का रहने वाला हूं। पिछले 8 साल से हम सफलतापूर्वक स्पिरुलिना की खेती करते आ रहे हैं। पहले भी आप सब ने हमारे बहुत सारे स्पिरुलिना फार्म के वीडियो देखे, सराहना की, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपको ये बधाई देना चाहूँगा कि हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली से स्पिरुलिना खेती के बारे में विधिवत शिक्षा प्राप्त करते हुए जो स्पिरुलिना यहाँ उगाया है वो इस राजस्थान के अंदर सबसे उच्चतम गुणवत्ता का यहाँ पैदा हो रहा है। हमारे यहाँ से स्पिरुलिना का पाउडर, स्पिरुलिना की गोलियाँ, कैप्सूल, ये सब देश भर के कोने कोने से लोगों ने यहाँ से मंगवाए हैं और इस्तेमाल करके उसकी गुणवत्ता की बड़ी सराहना की है। बड़ी खुशी होती है कि हम एक अच्छी गुणवत्ता का स्पिरुलिना सुपर फूड अपने यहाँ फार्म में पैदा करके और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी इस 8 साल के कार्यकाल में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव भी देखे हैं स्पिरुलिना की गुणवत्ता के विषय में। इसमें गर्मी के मौसम का, सर्दी के मौसम का, हर तरह के हमने इसमें अनुभव भी प्राप्त किए हैं। वो सब समय समय पर आप सब से हम शेयर करते भी आए हैं। आप सब ने हमारे वीडियो देखे भी हैं और आप सब हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आज के इस वीडियो में आप चर्चा करेंगे, मैं आपको एक नई इसका नया फायदा बताने जा रहा हूँ स्पिरुलिना का। स्पिरुलिना के अंदर एक फाइकोसाइनिन नाम का एक कंटेंट पाया जाता है जो नीले कलर का होता है, वो बहुत ही प्रभावशाली बताते हैं उसका। और स्पिरुलिना के अन्य जो उसकी ताकतें हैं स्पिरुलिना के अंदर, उसका एक अलग क्या इसका एक स्पेशल फायदा हमने देखा है, उसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पसीने से जो एलर्जी होती है, पसीने की जो खुजली होती है, पसीने की खुजली होती है उससे दाद हो जाते हैं, बाद में उसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है, मतलब बार बार होती रहती है। गर्मी के मौसम में अक्सर जो अपनी जांघों के आसपास जो एलर्जी होती है या जिसको हम खुजली बोल सकते हैं, कुछ भी बोलें उसको, तो ये जो पसीने की वजह से जो होती है, इससे हमेशा के लिए अगर बच के रहना चाहते हैं तो स्पिरुलिना इसके अंदर बहुत बड़ी कारगर साबित हुई है। इसमें किसी महानुभाव ने हमें ये इसके बारे में बताया था कि स्पिरुलिना का जो फाइकोसाइनिन है, फाइकोसाइनिन नीले कलर का जो होता है, इसको क्या करना है, इसको एलोवेरा के साथ मिक्स करना है और इसका एक लिक्विड तैयार करना है। जो कैसे तैयार किया हमने तैयार किया था इसको, 3-4 साल हो गए हमें इसको तैयार करके इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले एक ले लिया एलोवेरा, एलोवेरा जो हमारे आसपास में सब जगह होता ही है एलोवेरा, एलोवेरा ले लिया, उसको छील करके उसका पल्प निकाल लिया, पल्प निकाल के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और मिक्सी में उसको पीस लिया। पीसने के बाद में जब उसका लिक्विड फॉर्म में ये हो गया तैयार, तब उसको एक स्टील के बर्तन में मंदी मंदी आंच पर, धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पर उसको धीरे धीरे गर्म किया। तो जब गर्म किया तो उसके ऊपर झाग टाइप के आने लगे, झाग से बनने लगे, तो उसको झाग को जो है ना चलने की मदद से उसको हटाया, हटा के और उसको बिल्कुल वो साफ एकदम हो गया लिक्विड। उसके बाद में उसको छान करके उसको ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद में जैसे वो करीब हो गया 100 ml
100 ml था, तो जिसमें ठंडा करने के बाद में और कुछ उसका गर्म होने के बाद में छानने के बाद में वो बचा 70 ml। 70 ml को एक कांच के बर्तन में हमने डाल लिया, बोतल में डाल लिया, और उसके अंदर 1 चम्मच यानी 10 ग्राम स्पिरुलिना पाउडर डाल दिया। 10 ग्राम स्पिरुलिना पाउडर डालने के बाद में उसको अच्छी तरह से उसका घोल बना करके हिला करके और उसको रख दिया। रख दिया 4-5 दिन तक, रोजाना उसको एक बार हिलाते रहे। तो करीब 6-7 दिन बाद उसका जो कलर है वो बाकी मटेरियल स्पिरुलिना का वो तो नीचे बैठ गया, बाकी उसका नीला कलर जो है ना उस लिक्विड के अंदर आ गया, अलोईविरा के लिक्विड में, अलोईविरा में उसका कलर आ गया, वो बिल्कुल नीला हो गया रंग का। उसके बाद में हमने उसको ऊपर ऊपर से एक्सट्रैक्ट करके दूसरी बोतल में डाल लिया और नीचे का मटेरियल है उसको फेंक दिया बाहर। तो वो जो लिक्विड बचा था उसके अंदर बाजार से एक अच्छी गुणवत्ता की, जो हम ग्लिसरीन जो इस्तेमाल करते हैं ना, हाथ फट जाते हैं और जो ये कॉस्मेटिक्स में आता है ग्लिसरीन, वो ग्लिसरीन लेके आके उसमें करीब 30 ml हमने ग्लिसरीन मिला दिया 70 ml में। तो ये हो गया 100 ml, 100 ml की बोतल एक तैयार हो गई। उसके बाद में हमने उसको चेहरे पे भी इस्तेमाल करके देखा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। जो आंखों के नीचे काले घेरे या छाया, जो छाया जिसको बोलते हैं, नाक के ऊपर आसपास के मतलब त्वचा के ऊपर कील मुहासे जो भी होते हैं, ये सब इसको उसने धीरे 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 उसको कवर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो बिल्कुल साफ होते गए। उसके बाद जो पसीने की खुजली है या और कई तरह की खाज खुजली है उसके ऊपर उसको लगाने के बाद में इतने अच्छे परिणाम आए कि पसीने की खुजली, जो तरह तरह की जो ट्यूब वगैरह ये सब लगाते हैं बाजार से, उससे आराम नहीं मिलता, या आराम मिलता है तो वो त्वचा जल जाती है, काली पड़ जाती है, ब्लैक हो जाती है और सख्त हो जाती है। तो उसके ऊपर हमने इस्तेमाल किया। तो ये फर्स्ट बार में सुबह इस्तेमाल किया, नहाने के बाद में इसको ऑयल जैसे लगाते हैं, इस तरह से थोड़ा सा लिया हाथ पे, ऑयल की तरह लगाया इसको, और जहां जहां पसीने की खुजली है जहां पे उसको लगा लिया। और दोपहर को फिर इस्तेमाल किया, शाम को फिर इस्तेमाल किया, नेक्स्ट डे यानी अगले दिन सुबह ऐसा लग रहा था कि पसीने की खुजली कभी हमारे थी ही नहीं, इतना अच्छा परिणाम इसका आया। उसके बाद से मुझे ये समस्या थी, हर साल गर्मी के मौसम में पसीने की खुजली की समस्या थी, तो हम बना के इसको रखते हैं और मैं तो हमेशा ही इस्तेमाल करता हूँ। अगर इसको रूटीन में इस्तेमाल किया जाए तो ये बिल्कुल सस्ता प्रोडक्ट है, घर में तैयार होता है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, 100% ये प्राकृतिक है, और इसको रूटीन में अगर इस्तेमाल करते हैं तो भी कोई इसका ज्यादा खर्चा नहीं है, और कभी भी आपके पसीने की खुजली वगैरह ये सारी समस्याएं नहीं होगी। आप हल्की क्वालिटी या केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक्स को अलग करते हुए यानी उसको छोड़ के आप ये प्राकृतिक जो चीजें हैं जिसमें अलोएवेरा, स्पेरोलिना और उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन उसके अंदर मिला करके ये आप एक लिक्विड तैयार करके और आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। हाँ, अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप इसको तैयार नहीं कर सकते या किसी कारणवश तैयार नहीं करना चाहते या कोई मटेरियल की कमी है आपके पास, तो आप हमारे यहाँ से भी बनवा के मंगा सकते हैं। आधा लीटर लीटर जितना आपको चाहिए वो आप बात करके और बनवा के और मंगा सकते हैं, ये खराब नहीं होगा काफी लंबे समय तक, और इसको इस्तेमाल करके आप बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, खुजली से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।